Introduction to e-commerce. We already learned for definition of the e-commerce and application of the e-commerce. Next, session number 3. Introduction to e-commerce. Point 4.3, traditional commerce and different with e-commerce. 4.4, e-commerce in India. Let us start for chapter e-commerce. ट्रेडिशनल ई कॉमर्स वर्सेज ई कॉमर्स. हम जो अभी ट्रेडिशनल कॉमर्स अभी तक जो हमारा बिजनेस चला रहे थे, नॉर्मल लोकल बिजनेस और ई कॉमर्स बिजनेस में दोनों में क्या मेन मेजर डिफरेंट है. लेट अस स्टार्ट फॉर ड्यू टू डिफरेंट ग्रोथ द इंटरनेट. जब से इंटरनेट ग्रोथ हुआ तब से लेके डे बाय डे हम ई कॉमर्स का मैक्सिमम यूज कर रहे हैं. इसे हमारी जो नॉर्मल रूटीन बिजनेस करने की स्टाइल में और कॉमर्स की वजह से जो चेंजेस हुआ है वो चेंज कौन सा है वो हम यहाँ पे क्लैरिफाई करने वाले हैं. दोनों के बीच में क्या डिफरेंट है, ट्रेडिशनल एंड ई कॉमर्स, ये पॉइंट पूरा इसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं. नेक्स्ट, अब देख रहे हो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इमेज ही क्लैरिफाई कर दिया है. जैसे हम यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे शॉपिंग करने की फीलिंग होती है, जैसे आपको प्रोडक्ट मिल जाती है, चॉइस मिलती है और आप डायरेक्टली ऑनलाइन क्रेडिट के थ्रू भी यूज करते हो. बट ये सब जो है वो लैपटॉप और पीसी का काम है. नॉलेज वर्ल्ड में आप देख रहे हो यहाँ पे एक शॉपकीपर वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होता है और पूरा कॉमर्स बिजनेस चला सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस सेट करता है, राइट. तो ये मेजर उसके अंदर डिफरेंट है. नेक्स्ट, द ट्रेडिशनल कॉमर्स द बिजनेस हैव द कंप्यूट विद द सिंगल इंडस्ट्री एंड लिमिटेड जियोग्राफी एरिया. अभी देखो यहाँ पे एक नॉर्मली एक लिमिटेशन उसका समझाया. एग्जाम्पल, मैं नॉर्मली बिजनेस चला रहा हूँ, मेरे एरिया के अंदर लिमिटेड है. जैसे एग्जाम्पल, मैं खुद की स्टेशनरी की शॉप है तो उसका मीनिंग क्या होगा, मैं वो एरिया तक ही फेमस हो सकता हूँ. मेरी जियोग्राफिकल एरिया क्या होता है, लिमिटेशन आ जाता है. नेक्स्ट, द प्रोडक्ट दैट कस्टमर प्रीफर टू द टच स्मेल प्रॉपरली वो एग्जामिन कर सकता है. ये डिफिकल्ट है ई कॉमर्स के अंदर. जैसे आप ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगवाते हो तो आप ओनली फॉर इमेज देख के, इमेज को व्यू करके, उसकी डिस्क्रिप्शन रीड करके ही ऑर्डर मंगवा देते हो. उसमें टच करने की, स्मेल लेने की या एग्जामिनेशन करने की, इस एग्जाम करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है. लाइक परफ्यूम देखिए आप, क्लोथ देखिए, राइट, या कोई पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट है उसको आप एनालिसिस करना है, लाइक ज्वेलरी है तो उसको एनालिसिस करना इम्पोर्टेंट है, वो ई कॉमर्स के अंदर पॉसिबल नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है. नेक्स्ट, बायर विल बी प्रॉब्लम लाइक फूड आइटम देखिए आप, एक्सप्रेशन ज्वेलरी, जैसे मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया, हाई फैशन क्लोथ, क्योंकि हम यहाँ पे लॉट्स ऑफ कॉपीराइट का भी पॉइंट्स यहाँ पे जनरेट होता है, राइट. आपको लुक वाइज इमेज से एजुअल सेम दिखेगा, बट जब आप रियल में आपके पास जो ई कॉमर्स से प्रोडक्ट आएगी तब समथिंग डिफरेंट होता है, तो ये डिफरेंट है. नेक्स्ट, ट्रेडिशनल कॉमर्स द रिटेलर एंड मर्चेंट विद द इयर्स ऑफ द एक्सपीरियंस क्रिएट द स्टोर डिजाइनिंग हेल्प, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. एग्जाम्पल दो, जैसे आप नॉर्मली कोई आपके सोसाइटी के वहाँ पे नीरेस्ट बाई शॉपकीपर है, उसके साथ आपके पास लॉट्स ऑफ टाइम का एक्सपीरियंस है, वो जेंटलमैन होगा, वन सपोर्ट है, कुछ भी लग बाई चांस एक बार मैंने मनी नहीं है तो आपको आपकी क्रेडिट के थ्रू और आपका फेस आइडेंटिफाई करके भी आपको प्रोडक्ट दे सकते हैं. ई कॉमर्स में पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट, द अरेंजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स टू डिजाइन एंड लेआउट दैट ऑफ योर मर्चेंट मीन्स, आप कहीं ऐसे शॉप आप देखोगे तो उसके थीम्स होती है, जैसे दिवाली के टाइम है, न्यू ईयर्स है, कोई स्पेशल फेस्टिवल है तो उसमें क्या होता है, आप पूरी उसकी शॉप है, अपने बिजनेस का जो बिल्डिंग है वो क्या किया होता है, डिजाइनिंग होता है, लाइटिंग अरेंजमेंट, वो भी एक स्किल है. ई कॉमर्स में वो पॉसिबल नहीं है.
Next, the merchant develops the skill to identify the customer need and find the product and service that meet those needs. ये पॉइंट जो थियरी है वो उसको मैं आपको रियल एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ. मर्चेंट के पास स्किल होती है, जैसे सेल्स पर्सन आप देखिए, जैसे आप शॉप के अंदर देखोगे, जैसे क्लोथ की शॉप है तो सबसे पहले आपके उसका फोकस क्लोथ के ऊपर जाएगा. आप शू लेने के लिए जा रहे हो ओके, तो सबसे पहले शॉपकीपर की फोकस शू के ऊपर जाएगा. उसका रीजन है क्योंकि उसका मेन बिजनेस है, उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट की वैरायटी आपको दिखाएगा राइट. और आपकी क्या रिक्वायरमेंट, आप डिमांड उसमें डाल सकते हो, कॉमर्स में डिमांड डाल नहीं सकते, जो ऑलरेडी रेडीमेड इमेजेस है उसको व्यू करके उसमें से आपको चॉइस करना होता है. नेक्स्ट, वो एक आर्ट था, वो आर्ट इंटरनेट की वजह से रिमूव है. जैसे आप देखोगे कई ऐसे शॉप होती है, उसके अंदर डिजाइनिंग है, स्टेचू है, उसकी थीम्स है, कलर कॉम्बिनेशन है, समथिंग डिफरेंट होता है. वो आपका डिजाइनिंग देख के समथिंग डिफरेंट फील होता है. यस, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे. ई कॉमर्स की वजह से ये सब कुछ रिमूव हो चुका है. कौन सा कौन सा मेन इंपॉर्टेंट है, सबसे फर्स्ट हम क्लैरिफाई करते हैं. ऑपरेट विद सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम ऑर्डरिंग द बिजनेस आवर्स, मीन्स अब अभी तक जो हम बिजनेस कर रहे थे वो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से होता है. जैसे एग्जाम्पल, मॉर्निंग 7 to 11 तक आप शॉप ओपन कर सकते हो, उसके बाद गवर्नमेंट आ जाएगी. हो सकता है आपका शॉप को प्रॉब्लम भी हो सकता है या सील भी लगा सकते हैं एज पर गवर्नमेंट रूल्स. ये उसका मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा यहाँ पे बिजनेस आवर्स फिक्स होता है. सेकेंड, नो शेयरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन विद द कॉम्पिटिटर. आप लोग इसे नहीं समझ में, एग्जाम्पल देता हूँ. अभी ऑनलाइन में आप शॉपिंग कर रहे हो तो 5 या 6 वेबसाइट को कंपेयर करने के बाद ही आप शॉपिंग करने के लिए रेडी होते हो. बट यहाँ पे क्या होता है, लोकल बिजनेस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि आपको एक शॉप के अंदर चले गए और आपने परचेस करने के बाद मालूम पड़ेगा ओके ये शॉप से तो ज़्यादा यहाँ पे डिस्काउंट है. बट उसी में इम्पोर्टेंट भी क्या है, कंप्यूटर को पर्सनल मीन्स वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं मिले जाती, मोनोपोली रहती है. अभी ये नहीं है तो इसमें एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी. हायरिंग ऑफ द सेल्स पर्सन एंड सेल्स मैनेजर एंड मैनी, जिसे फिजिकली आप अपना बिजनेस चला रहे हो या शॉप है या कोई बिजनेस है. मैं मैक्सिमम एग्जाम्पल शॉप का दूंगा कि वो लेटेस्ट है और आप सब उससे अवेयर भी हैं. जैसे मैं क्लोथ की शॉप अभी चला रहा हूँ, उसके लिए एज ए मैनेजर मैं ऑनर हूँ, तो मुझको क्या करना पड़ेगा, एक सेल्स पर्सन हायर करना पड़ेगा जिसकी स्पीच अच्छी हो और मैक्सिमम प्रोडक्ट को सेल कर पाए और जो भी प्रोडक्ट है उसकी सब डिटेल अपडेट अपने क्लाइंट को इस कस्टमर को एक्सप्लेन कर पाए. इसके बाद सेल्स मैनेजर, सेल्स मैनेजर का मीनिंग क्या होता है, सेल्स पर्सन को उनके गाइडलाइन प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करवाएं, पर्टिकुलर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तो ट्रेनिंग करें. तो ये भी थर्ड पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है. फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लोकेशन. ओके, आपके पास गुड सेल्स पर्सन है राइट, आपके बिजनेस आवर्स गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से है, बट आपका जो लोकेशन है वो इम्पोर्टेंट है. जैसे एग्जाम्पल, तो आपकी क्लोथ की शॉप है वो 6th floor पे होगी तो वहाँ पे कोई आपका कस्टमर आएगा नहीं. कंपल्सरी आपकी शॉप कहाँ पे होना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर में होना चाहिए, 1st floor में होना चाहिए. इसे ज़्यादा हाइट पे रखोगे, हाइट पे रखोगे तो वो पॉसिबल नहीं है. और एज वेल एज उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें शॉपिंग का एक्स्ट्रा चार्जेस है, इन्वेंटरी में स्टॉक मेंटेन करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए, वो सब कुछ चार्ज इसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा. बट ई कॉमर्स में इसमें से कुछ भी नहीं. तो ये मैंने आपको जो पॉइंट नोट डाउन करवा रहा हूँ, प्लीज़ आप अपने हिसाब से नोट डाउन करते जाइएगा. रोड टच आपकी शॉप हो ओके, कोई ब्रांड हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, अदरवाइज लोकेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट, उसमें इम्पॉर्टेंट दूसरे भी एक्स्ट्रा है, एडवर्टाइज करने के लिए. एडवर्टाइज के लिए क्या होना चाहिए, यस, कोई भी प्रोडक्ट है उसको ट्रेनिंग देना पड़ता है. सेकेंड पॉइंट, कस्टमर कैन बी ब्राउज थ्रू द प्रोडक्ट कैटलॉग अवेलेबल ऑफर. मीन्स अभी देखिए यहाँ पे क्या है, जो भी एडवर्टाइज हो रही थी पहले वाले में, ट्रेडिशनल में क्या एडवर्टाइज हो रही थी,
आपको पर्टिकुलर मार्केटिंग के लिए पर्सन हायर करना पड़ता है, ब्रोशर प्रिंट करवाना पड़ता है, न्यूज़पेपर में टीवी में एडवर्टाइज दीजिए। जब ई कॉमर्स के अंदर ओनली फॉर इलेक्ट्रिक मीन्स यूट्यूब के अंदर एडवर्टाइज दे दीजिए, राइट है। इसके बाद आप एप्लीकेशन के थ्रू भी एडवर्टाइज दे दीजिए, इसी है लाइकली फेस टू फेस एंड टू एंड एडवर्टाइज होगी ई कॉमर्स के अंदर। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है वो आपको स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, ई कॉमर्स के अंदर ओनली फॉर इमेजेस होनी चाहिए और कैटलॉग आपके पास रेडीमेड होना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको कोई भी अकाउंट पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट के लिए हमारे पास ई पेमेंट की सिस्टम होनी चाहिए, जैसे ओके स्वैपिंग कार्ड के लिए मशीन होना चाहिए और आपकी जो भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट है इंटरनेट होना चाहिए। इनफ। फोर्थ, गुड आर डिलीवरी टू द कस्टमर विद इन अ फ्यू डेज। देखो यहाँ पे इनके आपका लोकेशन भी प्रॉपर नहीं है, डोंट वरी, क्योंकि कस्टमर आपके शॉप पे आने वाला ही नहीं। इससे बेटर ऑप्शन क्या है, लाइकली कस्टमर को ऑनलाइन ही इमेजेस सिलेक्ट करवा लीजिए, जो प्रोडक्ट उसने सिलेक्ट की है वो विद इन अ फ्यू डेज में आपको 3 या 4 डेज के अंदर वो आपको प्रोडक्ट होम डिलीवरी हो जाएगी, इसमें आपका टाइम भी बच जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, रिड्यूस द ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ट्रांजेक्शन कॉस्ट लेस क्यों है, पेट्रोल का टाइम बचिए, रेंट नहीं देना है, लोकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पर्सन हायर नहीं करना है, मार्केटिंग नहीं करना है, एडवर्टाइज नहीं करना है, तो ये सब बेनिफिट है ई कॉमर्स के। 6 पॉइंट देखें, रिड्यूस द टाइमिंग टेकन द परफॉर्म द ऑल ट्रांजेक्शन। ऑल ट्रांजेक्शन इज व्हाट, अब देखिए यहाँ पे शॉपकीपर एंड कस्टमर दोनों का टाइम बचेगा। शॉपकीपर को क्या नहीं टाइम रहेगा, प्रोडक्ट दिखाने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, और जो क्लाइंट है कस्टमर है उसको प्रोडक्ट की इमेजेस देख के फास्ट फॉर्म में वो काम कर सकते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। जो फ्रेड वर्ड्स है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, ई कॉमर्स इन इंडिया, ई कॉमर्स इंडिया में आने के वजह से क्या बेनिफिट हुआ स्पेशली फॉर इंडिया कंट्री को देखते हैं। सबसे फर्स्ट, द इंटरनेट यूजर इंडिया आर ग्रोइंग द डे बाई डे, मैक्सिमम इंडिया में अभी इंटरनेट का यूज करने लगे, उससे आप अवेयर होने लगे, लैंग्वेज लर्न करने की रिक्वायरमेंट हुई और न्यू टेक्नोलॉजी से जैसे 1G, 2G, 3G और अपने 4G और मार्केट में 5G लॉन्च करने के लिए भी रेडी है, ये लाइटली लाइटली ई कॉमर्स का ही गिफ्ट है। सेकेंड बेनिफिट क्या है, द ग्रेट वराइटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विस दैट कैन बी ब्रॉट आउट ऑल द इंटरनेट टू मेकिंग द ऑनलाइन बाइंग एंड मोर अट्रैक्टिव एंड कन्वीनियंट। मीन्स अभी आपको पहले क्या होता था, शॉप के अंदर जाओगे तो वहाँ पे जो भी स्टॉक है इतने स्टॉक आपको वो डिस्प्ले करवा पाएगा, बट ओएस जैसे एग्जांपल मैं मोबाइल की शॉप पे जाता हूँ और मुझको लेना है नोकिया का मोबाइल, उसके पास नोकिया का मोबाइल अवेलेबल ही नहीं है तो प्रॉब्लम है ना। बट ऑनलाइन में क्या होगा, आपको वैरायटी ऑफ द मोबाइल के मॉडल भी मिल जाएंगे, सर्विस की रिगार्डिंग कई टाइम वो गारंटी वारंटी देंगे नहीं देंगे, किसी को कुछ भी एक्स्ट्रा गैजेट लेने हो परचेस करने हो तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं भी हो सकते, तो यहाँ पे ये उसका बेनिफिट है। अभी देखो इंडिया के अंदर इसके लिए लॉट्स ऑफ कंपनी इन्वेस्टमेंट करने लगी और नए नए मॉडल्स मोबाइल के लॉन्च आपको यहाँ पे अवेलेबल है, तो दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है। सबसे फर्स्ट, ई कॉमर्स से इंडिया में क्या हुआ, इंटरनेट के यूजर डे बाई डे प्लस होते जा रहे हैं। सेकेंड, आपको जो भी प्रोडक्ट परचेस करनी है लाइक मोबाइल हो या गैजेट हो उसकी लॉट्स ऑफ कंपनी और लॉट्स ऑफ वेराइटी आपको मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैंने आपको इसके लिए इंस्ट्रक्शन दिए, आप घर पर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हो और डे बाई डे इंडिया कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर जैसे अमेजोन कंपनी है वो यूएसए में सेट है, आप जो भी ऑर्डर दोगे वो यूएसए जाएगा, वहाँ से वापस जो भी प्रोडक्ट है उसके जो मर्चेंट है ऑनलाइन है उसके घर डायरेक्ट से आपको ऑर्डर करवा सकते हो। नेक्स्ट, द इंटरनेट हैज बी रीच द रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया के इंसान मोस्टली विलेजेस अवेलेबल है, वहाँ पे वन सपोर्ट टाइम इंटरनेट अभी अवेलेबल है, तो वहाँ पे क्या होता था जैसे कोई ब्रांड कंपनी है या क्लोथ है वो मंगवाने के लिए क्या होता था, वहाँ पे कोई बड़ी बड़ी शॉप ओपन नहीं होती, बट अभी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इजीली अपने स्मार्टफोन से पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी ऑर्डर करवा सकते हो और उसमें क्वालिटी और क्वान्टिटी को भी आप चेकआउट कर सकते हो और अपने माइंडसेट भी कर सकते हो। मीन्स कहने का पर्पज, अभी इंडिया के अंदर कोई भी कॉर्नर पे जाके आप कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए कैपेबल हो।
Next, many factories are playing the role growth of the e-commerce in India. Means, अभी कई ऐसी कंट्री हैं जो only for focus कर रहा है इसके ऊपर e-commerce business के ऊपर. Like Jio company देखिए, Jio की lots of applications भी available हैं और जितनी भी Chinese application banned हुई उसके oppose में India ऐसी application design करने के लिए और develop करने के लिए ready है. Next देखें some of the key factor are which need to be low means India के अंदर क्या क्या capacity develop e-commerce की वजह से. सबसे first the growth of the technology, day by day technology से aware होने लगे. जैसे आप आपकी parents की बात कर रहे हैं जैसे उसको smartphone चलाना भी नहीं आता था, आज वो internet भी चला रहे हैं, सबके घर पे ब्रॉडबैंड केबल भी है, 3G से जैसे 4G जैसे नए नए जनरेशन नेटवर्क की स्पीड भी आपके घर तक अवेलेबल है. डे बाय डे लैपटॉप के यूजर प्लस होते जा रहे हैं, स्मार्टफोन पर पर्सन 2 या 3 स्मार्टफोन अभी होने लगे, टैबलेट्स जैसे स्टूडेंट के लिए मैक्सिमम है और लॉट्स ऑफ डोंगल्स भी अवेलेबल है. ये सब कुछ इंडिया के मार्केट में ई कॉमर्स की वजह से सक्सेस हुआ है. नेक्स्ट increase the use of the mobile device. मैंने आपको पहले ही बोल दिया हमारे यहाँ पे e-commerce की वजह से mobile के device भी क्या होने लगे, user क्या होने लगे, plus होने लगे. ये भी important point है. Third, availability of the much wider product range. जैसे अभी inform किया, पहले क्या होता था limited stock के अंदर available है, जैसे city wise, area wise limited होता था, ये सब कुछ नहीं है. आपको lots of product, lots of price में, lots of variety डिस्काउंट अवेलेबल है एज पर योर टाइम रिक्वायरमेंट. जैसे आप अमेजोन के प्राइम मेंबर हो तो 24 आवर्स में प्रोडक्ट अवेलेबल है. राइट, आप नॉर्मल कस्टमर हो विदिन 2 या 3 डेज जैसे आप जो भी टाइम प्रोडक्ट करोगे आपकी टर्म एंड कंडीशन अवेलेबल होती है, उसको रीड करना इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट 4 पॉइंट, बिजी लाइफस्टाइल, ट्रैफिक का प्रॉब्लम, लैक ऑफ द टाइम, ट्रेडिशनल शॉपिंग करने में आपको बोरिंग लग रहा है. एग्जाम्पल जैसे आपकी इजी लाइफ स्टाइल, जैसे आप कोई बिजनेसमैन हो या कोई प्रोफेशनल जॉब कर रहे हो, जैसे हमारे यहाँ पे मोस्टली सब सैटरडे संडे शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और एक ही शॉप होती है जहाँ फेमस है और कोई डिस्काउंट है, हम सब वहाँ पे एक क्राउड लगा के खड़े रह जाते हैं और इसमें हमारा और जो शॉपकीपर इसका लॉट्स ऑफ टाइम वेस्ट होता है. अभी 24/365 डे कभी भी एज पर योर रिक्वायरमेंट आप शॉपिंग कर सकते हो, अर्जेंट प्रोडक्ट आपको डिलीवर कर देगा एज पर योर रिक्वायरमेंट. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट 5th, लोअर प्राइस कंपेयर्ड टू मींस व्हाट, आपको यहाँ पे मैक्सिमम प्राइस लेस मिलेगी. उसका रीजन क्या है, लॉजिकल रीजन है, फिजिकली शॉप नहीं है, मैनेजर या सेल्स पर्सन हायर नहीं करना है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी या मेंटेनेंस नहीं करना है. राइट, इसके अलावा यहाँ पे कोई स्टॉक मेंटेन नहीं करना है, डिस्प्ले नहीं करना है, एक्स्ट्रा जितनी भी एक्सपेंसिव हो जाते हैं लेस. इसके लिए आपको जो भी प्रोडक्ट आपको मिल जाता है इसके लिए ऑनलाइन आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, उसका ये रीजन है. 6, इंक्रीज द यूज ऑफ द ऑनलाइन क्लासिफाइड साइट. लॉट्स ऑफ वेबसाइट मिल जाएगी. पहले क्या होता था ओनली फ्रॉम फ्लिपकार्ट से अवेयर, बेसन ही अमेजोन है, मित्रो है, लॉट्स ऑफ है, इसी वेबसाइट है, वहाँ पर इजिली एक वेबसाइट से आपको डिस्काउंट नहीं मिल रहा है तो नॉट डूरिंग, आप दूसरी वेबसाइट पर स्विच होंगे प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो. 7, यूज ऑफ द ऑनलाइन मार्केट प्लेस मॉडल ऑफ विद दिस साइट. हम यहाँ पे लॉट्स ऑफ ई कॉमर्स के मॉडल भी लर्न करने वाले हैं, लाइक ई बे वेबसाइट हमने किसके लिए लर्न किया था, वेरी गुड, ऑक्शन के लिए एक मॉडल है. फ्लिपकार्ट न्यू प्रोडक्ट सेल करने के लिए स्नैपडील, ऐसी लॉट्स ऑफ वेबसाइट डे बाय डे मार्केट में लॉन्च हो रही है और गुड प्रॉफिट, इसके लिए हमारे लिए भी बेनिफिशियल है और सेल्स पर्सन है, बिजनेस ई कॉमर्स का करना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता. ई कॉमर्स इज एन लो इन इंडिया कंपेयर टू द अदर कंट्रीज. अभी हमारे यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, 100 में से ऐसा है 10 या 15% ही अभी हम ई कॉमर्स का बिजनेस का यूज कर रहे हैं, रिमेनिंग हम लोकल मार्केट को पहले प्रायोरिटी देते हैं. आउट ऑफ कंट्री में लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं, एक सिटी से दूसरे सिटी में, वहाँ पे मोस्टली ई कॉमर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं. बट अभी जो न्यू जनरेशन के अंदर ई कॉमर्स को मैक्सिमम प्रायोरिटी देने के लिए वो रेडी होते हैं. यहाँ पे देखिए मस्ट फास्टर एंड विद द लार्ज नंबर ऑफ द फ्यू एंट्रीज.
जैसे एग्जांपल दूं, मैं अपने एमआई के मोबाइल्स की मैं बात करूं, एमआई के मोबाइल के अंदर मैक्सिमम ऑनलाइन शॉपिंग करवा रहा हूं। नेक्स्ट यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख रहे हो केस ऑन डिलीवरी ऑलमोस्ट ऑफ प्रीफर मैन पूरे वर्ल्ड को जो केस ऑन डिलीवरी उसको क्या बोलते हैं सीओडी। इसके लिए मैं आगे वाले पेज पे चला गया था, देखिए यहां पे भी मैं आपको इंफॉर्म करूं सीओडी 80% इंडिया में जो भी ई कॉमर्स का बिजनेस चल रहा है हम इसके थ्रू करते हैं केस ऑन डिलीवरी। मीन्स व्हाट, तो ये एक सिस्टम है, पहले ऐसे नहीं फॉरेन के अंदर या आउट ऑफ कंट्री में क्या होता है फर्स्ट पेमेंट एंड देन ऑर्डर डिलीवरी होता है, बट ई कॉमर्स का बिजनेस इंडिया में सेटअप हुआ सबसे पहले क्या होने लगा सीओडी आप अप्लाई करो मैकेनिज्म, जैसे आप प्रोडक्ट घर पे आएगी क्लाइंट को सेटिस्फाई हो गए उसने जो ऑर्डर किया था वो सेम ऑर्डर है, इसके बाद ही वो क्या करेगा कंफर्म होने के बाद पेमेंट करेगा। दैट इज अ गुड सिस्टम, ये ई कॉमर्स का बेनिफिट है। देन लास्ट में पॉइंट ऑफ द व्यू एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, मीन्स यहाँ पे जो भी कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद डायरेक्टली कस्टमर के साथ जॉइंट है, इन बिटवीन जितने भी एक्स्ट्रा पर्सन होते हैं जो उसका ब्रोकेज लेता है या उसके कमीशन होता है कमीशन लेस हो गया, डायरेक्टली बेनिफिट किसको मिल जाता है कस्टमर। देखो मैं यहाँ पे वही क्लैरिफाई करना है कि नेक्स्ट पॉइंट पे चले गए थे केस ऑन डिलीवरी में। देखो यहाँ पे केस ऑन डिलीवरी के अंदर क्या होता है उसका बेनिफिट क्या है सीओडी से, आप एज पर रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट को भी चेक भी कर सकते हो। जैसे मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन ब्लैक पेन और बाय मिस्टेक ब्लू पेन आ गया, तो कंपलसरी नहीं मैंने पेमेंट तो किया नहीं, मैंने इन्वेस्ट तो किया नहीं, वो ही ऑर्डर करना पड़ेगा और इमरजेंसी है मैं वो प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर सकता हूँ और ऑन द स्पॉट मैं नेक्स्ट वेबसाइट पे जाकर ऑर्डर वापस करवा सकता हूँ एज पर आवर रिक्वायरमेंट। इंडस्ट्री एक्सपर्ट ऑप्टिमाइज अबाउट द फ्यूचर ऑप्शनल फॉर ई कॉमर्स इंडस्ट्री इन इंडिया। अभी ई कॉमर्स की इंडिया मीन्स और जैसे जितनी भी इंडस्ट्री है अभी मार्केट में पॉपुलर है वो सब क्या करती है इंडिया के अंदर यस मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करेगी और मार्केट को ई कॉमर्स का सिस्टम प्रोवाइड करके, जैसे एग्जांपल दूं अमेजोन है, अमेजोन की खुद की एक भी प्रोडक्ट नहीं है, वो सब क्या करते हैं मर्चेंट मींस जो भी प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं और बायर वो दोनों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, वही जो यहाँ पे काम हो रहा है। और इंडस्ट्री में भी ऐसे जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है वो क्या करते हैं अभी तक शॉप को दे गए शॉपकीपर वाले वापस क्लाइंट को दे गए उसका कमीशन 10% या 20% रहता है वो सब कुछ अभी रिमूव होने लगा। जैसे मैं इंडस्ट्री का ऑनर हूँ मैं डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर मंगवा सकता हूँ और डायरेक्टली कस्टमर को भी गुड डिस्काउंट के साथ प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ। नेक्स्ट अभी यहाँ पे हमारे इम्पोर्टेंट क्या है अभी जो नया बूस्टिंग लग रहा है जो चाहे चेंजेस है एग्जाम्पल लैंग्वेज का प्रॉब्लम है मोस्टली ई कॉमर्स की वेबसाइट वो भी तो इंग्लिश में अवेलेबल है तो शॉपिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है आपको, ये हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर भी लर्न करेंगे इसके अंदर कितने एडवांटेज है कितना डिसएडवांटेज है एज वेल एज अभी देखिए नेक्स्ट ये सब तो हमने लर्न कर लिया। ई कॉमर्स के अंदर बीइंग ट्रेडिशनल ई कॉमर्स और ई कॉमर्स के अंदर क्या डिफरेंट है और क्या बेनिफिट है ई कॉमर्स इन इंडिया ये पॉइंट क्लैरिफाई किया। तो इसके अलावा यहाँ पे मेन बेनिफिट क्या है ई कॉमर्स का, सबसे फर्स्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पॉइंट क्लैरिफाई किया कंडक्ट द बिजनेस 24x7 24 multiply 7 up to 24 multiply 7 means 365 day आपको कोई फेस्टिवल का कोई प्रॉब्लम नहीं है गवर्नमेंट का कोई रूल्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है टाइम भी का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऑनलाइन कभी भी आप ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकते हो और आप डिलीवरी भी कर सकते हो मीन्स इजीली आप बाय और सेल कर सकते हो लोअर कॉस्ट क्यों है उसका मेन रीजन है लोअर कॉस्ट का क्योंकि आपको कोई मेंटेनेंस नहीं है कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव नहीं है तो इजीली आप लोअर कॉस्ट में वो पॉसिबल है। नो बाउंड्रीज एंड जियोग्राफी एरिया आपको इन्फॉर्म किया क्योंकि आप अपने एरिया तक फेमस नहीं होते पूरे वर्ल्ड से कहीं से भी ऑर्डर आ सकते हैं। इम्प्रूव एंड बेटर कस्टमर सर्विस आप इजीली ई कॉमर्स का यूज करके मेल या डायरेक्टली टेलीफोनिक कॉल के थ्रू आप बेटर सर्विस दे सकते हैं। टीम वर्क लेस पर्सन से पूरा बिजनेस सेटअप हो सकता है। लिमिट ऑफ द ट्रैवलिंग टाइम एंड कॉस्ट डिलीवर करने के लिए आपके कस्टमर को सामने आने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। स्पीड इम्पॉर्टेंट है बट यहाँ पे प्रॉपर क्या होना चाहिए
इस मेंबरशिप होती है तो आपको ई कॉमर्स की वेबसाइट में आपकी प्रोडक्ट स्पीड से मिलेगी। ई कॉमर्स ऑल्सो प्रोवाइड फ्यू बेनिफिट ऑफ द सोसाइट, जैसे लाइक कोरोना जैसा है तो वहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट किसका है, ई कॉमर्स के थ्रू। ये एडवांटेज है, नहीं थोड़ा सा पॉइंट समझ, डोंट वरी, नेक्स्ट सेक्शन के अंदर पूरा पॉइंट और भी डेप्थ में लर्न करना है विद एग्जांपल, बट ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो उसके डिसएडवांटेज भी होगा, ई कॉमर्स के लिमिटेशन भी होगी। कौन सी होगी लिमिटेशन? रिस्ट्रिक्शन टू चेंज। आप लोग ऐसे क्यों, जैसे मैंने आपको पहले इन्फॉर्मेशन, स्मेल लेना या जो आप फील कर सकते हो ऐसी कोई प्रोडक्ट है, जैसे क्लोथ है, क्लोथ के अंदर मोस्टली हम सब एक्सपर्ट नहीं होते हैं, क्लोथ के अंदर ज्वेलरी देखिए आप, उसमें रिस्ट्रिक्शन हो जाए तो हम टर्म एंड कंडीशन तो रूल रीड नहीं करते हैं, और बाद में हम चेंज करने की प्रोडक्ट ट्राई करते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। इनिशियल कॉस्ट मीन्स ई कॉमर्स का बिजनेस जब स्टार्ट करोगे, जीएसटी के नंबर है, इनकम टैक्स के रूल्स एंड रेगुलेशन आपको जो फॉलो करना पड़ेगा, तो स्टार्टिंग में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लाइक कंप्यूटर परचेज के लिए इंटरनेट का पैकेज आप ले लीजिए। सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, ई कॉमर्स का बिजनेस है तो यहाँ पे सिक्योरिटी क्या होता है, आपके पर्सनल डेटा लीक ना हो जाए, उसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है प्राइवेसी नहीं, इस आपको मैंने इन्फॉर्म कर दिया क्योंकि हम जो भी प्राइस होती है प्रोडक्ट की वो ओपन हो जाती है, क्योंकि क्लाइंट है वो अपनी प्रोडक्ट क्या करेगा, उसकी प्राइस को कंपेयर करेगा, प्रोडक्ट का भी क्वालिटी चेक कर सकता है। लीक ऑफ द ट्रस्ट, ई कॉमर्स में वन सपोर्ट टाइम ऐसा भी होता है, आपने ऑर्डर कुछ और किए और प्रोडक्ट और कुछ आ रहे हैं, जैसे मैंने मंगवाया था मोबाइल, ई कॉमर्स की वेबसाइट यूज करके मोबाइल, और आप घर पे आके बॉक्स देखोगे तो इसमें हो सकते हैं बड़े बड़े स्टॉन हो, लीक ऑफ द ट्रस्ट हुआ। सिक्स टाइम फॉर द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट, कई टाइम ई कॉमर्स के अंदर प्रॉब्लम ये होता है, जैसे किसी की बर्थडे हो और बर्थडे के दिन ही मुझको उसको मोबाइल गिफ्ट करना है, बट डिलीवरी लेट हुई, बर्थडे के बाद हुआ, वो प्रोडक्ट का कोई काम नहीं होता। आई होप सो ये पॉइंट समझ में आ रहा है, इसके लिए भी पूरा एक सेशन हम उसका स्टडी करेंगे। आई होप सो दोनों पॉइंट क्लैरिफिकेशन है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज मींस लिमिटेशन ऑफ द ई कॉमर्स। हमने यहाँ पे ये मेन पॉइंट लर्न किया है सेशन 3 के इनसाइड, कौन से ट्रेडिशनल ई कॉमर्स इन इंडिया, लिटिल बिट मेन पॉइंट हमने नोट डाउन किए, एडवांटेज ऑफ द ई कॉमर्स एंड लिमिटेशन ऑफ द ई कॉमर्स। थैंक यू वेरी मच।